अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो कुछ सीखा, उम्मीद है आप लोगों को वो समझ में आया होगा। आज हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहे हैं इसमें तीन मैट्रिक्स हैं और कुछ कंडीशन हमें दी गई हैं, कह रहे हैं कि इसको प्रूव करो, यानी जो कंडीशन दी गई हैं इनको सेटिस्फाई करना है कि ऐसा ही है। तो फर्स्ट केस उठाते हैं। फर्स्ट केस में कह रहे हैं कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट बी ए के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसके इस बात का? वैसे हमने नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में देखा है कि अगर 5 को मल्टीप्लाई करें 2 से या 2 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो सेम रिजल्ट आता है, 5 2 10 और 2 5 10। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा वो बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट नहीं आएगा। ये चीज हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो, यानी पहले ए रखो फिर बी रखो, फिर दूसरी बारी में आपने क्या करना है, बी को पहले रखना है और बाद में ए को रखना है। तो हमने कहा ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैट्रिक्स ए आएगा यानी 1 2 3 4, फिर मैट्रिक्स बी आएगा, मैट्रिक्स बी में क्या वैल्यूज हैं, 1 3 5 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, पहले के कॉलम देखे 2 हैं, दूसरे की रॉ देखी 2 हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब क्या करें, अब हमने कहा कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, तो पहले की रॉ दूसरे के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, ये दोनों रॉ इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, इसी तरीके से थोड़े से गैप के बाद 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। यही काम हमने सेकंड रॉ के लिए भी करना है, यानी 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। सिमिलरली 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अब इनमें जो सिंपलीफिकेशन हो सकती है उसको करते हैं। ये 1 1 1 हो गया, प्लस 3 3 9, 1 5 5, प्स 3 0 0, 2 1 2, प्लस 4 3 12, 2 5 10, प्लस 4 0 0, और ये हमारे पास क्या हो गया, 10 5 14 10। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने जिस तरीके से पहले ए को रखा था और बाद में बी को रखा था, अब जो हमारे पास सवाल है उसमें पहले बी, अब जो पार्ट करना है हमने उसमें पहले बी को करना रखना है और फिर ए को रखेंगे, यानी पहले मैट्रिक्स बी आएगा फिर बाद में मैट्रिक्स ए आएगा। तो हमने कहा अब बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, तो मैट्रिक्स बी क्या है, 1 3 5 0, और मैट्रिक्स ए में क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमने कहा 1 पहले मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर थोड़ा सा गैप आएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। यही काम हमने नीचे वाले रॉ के लिए भी करना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे पास होगा 1 10 3 20 3 0 9 0, ये क्या हो गया, 11 23 3 9। क्या ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी मल्टीप्लाई बाय ए का आंसर सेम है? नहीं। तो हमने लिख दिया ए मल्टीप्लाई बाय बी इज नॉट इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a, हेंस प्रूव। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कि भाई a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं, इन दोनों का रिजल्ट सेम नहीं होता, इन दोनों का रिजल्ट सेम नहीं होता। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्लियर है, ये सवाल क्लियर है, कोई सवाल इसमें?
अब सेकंड पार्ट क्या है, ए को मल्टीप्लाई करवाओ बी के साथ और उनका जो भी रिजल्ट हो उसको सी से मल्टीप्लाई करवाओ। इसी तरह से दूसरों इसको बराबर लेकर आओ, किसके पहले आपने रखना है ए और मल्टीप्लाई करवाने बी और सी को। अब हमने कहा अगर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, हमने कहा कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड किस चीज के बराबर है, ए बी मल्टीप्लाई बाय सी के। तो अब पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4 और फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको, बी क्या है हमारे पास 1 3 5 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 0 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से 2 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 4 0 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा, ये 1 हो गया, 3 3 9 5 0 2 12 10 0 10 5 14 10 क्लियर है ये चीज, 10 5 14 10। अब क्या करना है, ये इसका जो भी रिजल्ट आया है ए और बी का जो भी रिजल्ट आया है उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने कहा अब ए बी को मल्टीप्लाई करवा दो सी के साथ, तो ए बी का क्या रिजल्ट आया है 10 5 14 10। तो सी क्या है हमारे पास, सी है हमारे पास 3 2 1 -1। अब क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर थोड़े से गैप के बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -1 14 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 14 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय -1 ये क्या हो गया 30 प्लस 10 10 माइनस 5 ये क्या हो गया 28 32 42 42 प्लस 20 14 माइनस 10 ये हो गया 45 62 4 ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब पहले B को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका जो भी रिजल्ट होगा उससे A को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसको, ये हमारे पास आया है 45 62 4 ये किसका आंसर आया है, A B को C से मल्टीप्लाई करने पर। अब हमने B और C को पहले मल्टीप्लाई करना है, यहां था 40 तो हमने लिखा कंसीडर राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है ए बी टू सी के। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्या है 1 3 5 0 और फिर सी, सी क्या है हमारे पास 3 2 1 -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ फिर गैप के बाद 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। ये क्या हो गया 3 प्लस 10 1 -5 9 प्लस 0 3 प्लस 0
ये क्या हो गया 13 माइनस 4 9 और 3। अब इसके रिजल्ट से मल्टीप्लाई करवाने हैं ए को, तो हमने कहा ए पहले लिखा हुआ है, बी और सी बाद में लिखा हुआ है, तो पहले मैट्रिक्स ए आएगा 1 2 3 4, फिर मैट्रिक्स बी सी आएगा और ये क्या है हमारे पास 13 9 माइनस 4 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा 13 के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, और सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 13 के साथ, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 के साथ, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। अब ये हो गया 13 प्लस 27 माइनस 4 प्लस 9 और ये हो गया हमारे पास 26 प्लस 34 सॉरी 36 हो गया और ये हमारे पास माइनस 8 प्लस 12 30, ये हो गया 40, ये हो गया 5, 36, 42, 52, 62, ये 40 सही से लिख लो, और ये हमारे पास 4। तो जो आंसर जो लेफ्ट हैंड साइड थी वही राइट हैंड साइड है, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था 45, 62, 4, यहां पे भी हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर क्या है 45, 62, 4। क्लियर है कि हमने दो एक्सप्रेशन को कैसे इक्वल लेकर आए हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया किस तरीके से, जो चीज पहले लिखी हुई है पहले उसको रखेंगे, जो बाद में लिखी हुई है उसको बाद में रखेंगे, अगर कहीं ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अच्छा, अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उम्मीद है ये आप लोग खुद कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, पार्ट नंबर थ्री तो बिल्कुल इसी तरीके से होगा, पार्ट नंबर फोर में पहले बी और सी को ऐड कर लेंगे, उसका जो भी रिजल्ट होगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके ए सी को मल्टीप्लाई करके इनके जो रिजल्ट होंगे इनको ऐड कर लेंगे, तो जो आंसर इसका है वही आंसर इसका आना चाहिए। सिमिलरली पहले इधर सी और बी को ऐड कर लेंगे और इसका जो भी रिजल्ट होगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर पहले ए सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनके जो रिजल्ट होंगे उनको ऐड कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास ये सारे पार्ट्स हो जाएंगे। अगर ये दो सवाल जो मैंने आपको करवाए हैं ये अगर आपको समझ में आ गए तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद कर लेंगे। अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है, कोई बात समझ में नहीं आई, आप बिना झिझक मुझसे सवाल कर सकते हैं, सवाल पे कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते सवाल ढंग का होना चाहिए। ठीक है, तो जो इस लेक्चर में मैंने समझाया और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जितना कुछ मैंने आपको समझाया, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बिना झिझक सवाल करें, कोई भी सवाल करें, रिलेटेड टू टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।